हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? अच्छे से हैं ना? आज हम लोग बुक रीडिंग करेंगे मैथ्स में। सबके पास बुक है ना? ठीक है, आप अपन लोग देखिए अपनी बुक का फ्रंट पेज देखिए, आपको दिख रहा है ना लिखा हुआ इसमें हेलो मैथ्स, है ना? आप लोग को मैथ्स से मिलना है इसका मतलब। ठीक है, मैथ्स की बुक सब लोग ओपन करिए। आज हम लोग बुक रीडिंग भी करेंगे और फिल भी करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत मज़ा आएगा आज मैथ्स लगाने में, है ना? चलिए हम लोग पेज नंबर ओपन करिए हमारा, जल्दी से आप लोग पेज नंबर ओपन करिए। पेज नंबर 3, देखिए यहाँ पे एलिफेंट बना है, लायन बना है और गोट बनी है ना। माय लेसन का नाम है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। देखिए BIGGEST, बिगेस्ट ANDE एंड SMALLEST, स्मॉलेस्ट मतलब बिगेस्ट मीन बहुत बड़ा एंड स्मॉलेस्ट मीन्स बहुत छोटा। ठीक है, देखिए एलिफेंट है ना, एलिफेंट ये बोल रहा है, लिखा हुआ आई एम द बिगेस्ट, तो मैं बहुत बड़ा हूँ बोल रहा है ना ये, आई एम द बिगेस्ट, सबको दिख रहा है ना ये, यस। उसके अभी नीचे देखिए यहाँ पे गोट बनी हुई है ना, गोट बनी है, कह रही है आई एम द स्मॉलेस्ट, कह रही मैं बहुत छोटी हूँ, है ना। इन सब की तुलना में देखिए यहाँ पे एलिफेंट है, लायन और गोट है, सबसे छोटी गोट दिख रही है ना, कह रही आई एम द स्मॉलेस्ट, मैं बहुत छोटी हूँ, है ना, कह रही है। उसके अभी देखिए नीचे है राइट बी फॉर बिगेस्ट एंड एस फॉर स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इतने ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, इसमें आपको राइट करना है, लिखना है बी फॉर होगा यहाँ पे बिगेस्ट एंड एस फॉर होगा स्मॉलेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा है उसमें हम लोग लिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, पम्पकिन बना है ना, और यहाँ पे जो ये बनी है कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी बनी है, और टमाटो बना हुआ है, तीनों बने हैं ना। देखिए पम्पकिन ये है, कॉलीफ्लावर है, गोभी और ये क्या है, टमाटो। ठीक है, अब इसमें जो सबसे बिगेस्ट है उस पर वहाँ पे बी लिखेंगे ना, यहाँ पे पम्पकिन क्या है सबसे बिगेस्ट है ना, तो पम्पकिन के उसमें जो कॉलम में क्या लिखेंगे, बी। ठीक है, अब यहाँ पे टमाटो क्या है, स्मॉलेस्ट है ना, तो टोमेटो के कॉलम में क्या लिखेंगे, एस। सबको दिख रहा है ना? ठीक है, सब लोग अपनी बुक में फिल करेंगे खूब सुंदर सुंदर राइटिंग में। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे इसके बगल में यहाँ पे बेड बना हुआ है, दिख रहा है ना, ये बेड ब्लू कलर का है, बेड है, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखो ये अलमीरा बनी है, और ये क्या है, टेबल है। अब इसमें बताइए सबसे बिगेस्ट कौन है, सबसे बिगेस्ट ये वाला है ना बेड, तो यहाँ पे हम लोग इस कॉलम में क्या लिखेंगे, बी। सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और उसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये टेबल स्मॉलेस्ट है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस, एस फॉर स्मॉलेस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, इस कॉलम में सबको समझ में आया ना, यस। ऐसे ही इसको फिल करेंगे, है ना। अब चलिए अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज नंबर हो गया ये पेज नंबर हमारा 4। पेज नंबर 4 देखिए सब लोग, हमारा पेज नंबर 4 है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट मीन्स होता है सबसे लंबा, यहाँ पे लिखा ना ऊपर देखिए लॉन्गेस्ट LONGEST, लॉन्गेस्ट ANDE एंड SHORTEST, शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट मीन्स होता है सबसे लंबा एंड शॉर्टेस्ट मीन्स होता है सबसे छोटा। ठीक है, जो लंबाई में सबसे लंबा होता है, ये बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नहीं है, ये लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट है। लॉन्गेस्ट सबसे लंबा, जैसे देखो यहाँ पे ट्रेन बनी है ना, यहाँ पे क्या बनी है, एक ट्रेन बनी है ना, ट्रेन कह रही है आई एम द लॉन्गेस्ट, मैं सबसे लंबी हूँ, कह रही ना आई एम द लॉन्गेस्ट, मैं सबसे लंबी हूँ। फिर उसके बाद देखिए छोटी सी बस बनी है, मिनी बस जिसको बोलते हैं, छोटी बस है ना, लेकिन बोल रही है आई एम द शॉर्टेस्ट, मैं सबसे छोटी हूँ, कह रही है ना यहाँ पे देखिए आई एम द शॉर्टेस्ट। उसके बाद फिर अब हम लोग यहाँ पे नीचे जो यहाँ पे कॉलम दिए हुए उसमें पढ़ेंगे, उसमें भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेक राइट द लॉन्गेस्ट एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ लिखा ना, ये देखिए दिख रहा सबको ना, मतलब जो बोल रहा है कि जो सबसे लंबा है उस पर राइट का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये और जो सबसे शॉर्टेस्ट है मतलब सबसे शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट जो है, सबसे छोटी चीज़ है, उस पर ये क्रॉस का निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो लंबा है वहाँ पे राइट का निशान, और जो क्रॉस का निशान कहाँ लगेगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट में। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बनी है, रस्सी बनी है ना, यहाँ पे 1 2 3 रस्सी बनी है ना,
इसमें सबसे लंबी कौन सी है, लॉन्गेस्ट रस्सी ये वाली है, तो यहाँ पे क्या करेंगे राइट निशान लगाएंगे, ठीक है। और ये तो बीच की है, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन जो ये है शॉर्ट वाली है इस पर क्या करेंगे क्रॉस का निशान लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट है ना। वैसे ही इसमें भी कह रहा है, ये देखिए यहाँ पे एक बैम्बू का ट्री का वो बना हुआ है, बांस बना हुआ है ना, बांस का लंबा सा डंडा बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या कह रहा है कि आई एम द लॉन्गेस्ट, मतलब ये लंबा है, तो इस पर क्या करेंगे राइट का निशान लगाएंगे। और यहाँ पे ये तो बीच का हुआ, और ये जो है सबसे छोटा डंडा दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना, यहाँ पे सबसे छोटा डंडा, तो यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस का निशान लगाएंगे। सबको समझ में आया ना लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। और इसके पहले हम लोग जो क्या पढ़े हैं, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं देखिए, ये बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबको समझ में आया। और ये वाला सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सबसे लंबा और सबसे लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, मतलब लंबा और सबसे छोटा, ठीक है, सबको समझ में आया। ओके, सब लोग उसे अपनी बुक में फिल कर देंगे और अच्छे से, और सब लोग उसको रीडिंग भी करेंगे। ओके, थैंक यू।